हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका बोगले लाइव यूट्यूब क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एंडोक्राइन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, और इस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे आज कुछ एंडोक्राइन के काफी वैल्यूएबल डिसऑर्डर, जिनके एम्स ऋषिकेश में और कम्बाइंड एम्स में आने की काफी अधिक संभावना है। उन एमसीक्यूज पे आज हम डिस्कस करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको उन एमसीक्यूज के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर, और इन्हीं एमसीक्यूज के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि डिसऑर्डर्स को कैसे लर्न किया जाता है, यानी एमएसएन को पढ़ने का तरीका क्या होता है, और किस तरीके से एमएसएन को लर्न करके और आप अपने कॉम्पिटिटिव के स्कोर को काफी बूस्टर दे सकते हैं। बच्चे इस वोगली स्टूडियो की क्लासेस के माध्यम से एक एक लेक्चर इसका काफी वैल्यूएबल लेक्चर है, और इन लेक्चर्स को पढ़ करके और आप अपने कॉम्पिटिटिव में 20-30% अपनी प्रिपरेशन को बूस्टर कर सकते हो। तो चलिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे शेयर कर देता हूं। बी रेडी फॉर द सुपर कंक्लूजन फॉर एम्स ऋषिकेश ऑन द ऑन 22/1/2020। बच्चे, यदि अगर हम जानते हैं तो सबसे पहली बात मैं आपके सामने एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, बी रेडी फॉर द सुपर कंक्लूजन। सुपर कंक्लूजन पहला नोटिस है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्यूचर नोटिस आप देख लीजिएगा। सुपर कंक्लूजन होगा 22 तारीख को, सुपर कंक्लूजन करेंगे जिसके अंदर एम्स ऋषिकेश में क्या आ सकता है और कौन कौन से क्वेश्चंस वैल्यूएबल है, उन सब के बारे में मैं आपसे जानकारी लूंगा, आपको विशेष करेंगे, आपके साथ में बात करेंगे। यानी 22 तारीख की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर सुपर कंक्लूजन हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके बाद सेकेंड नोटिस आपके पास नेक्स्ट आने वाला है, देखिएगा। दूसरा नोटिस आपके पास होगा, नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा आपके पास नोटिस है बच्चे, एग्जाम पोर्टल इज अंडर मेंटेनेंस फॉर 2 डेज, डू नॉट वरी। यानी जो टेस्ट सीरीज आप लॉगिन हैं, जो बच्चे लॉगिन किए हुए हैं और जो टेस्ट सीरीज के लिए परेशान हो रहे हैं, वो परेशान ना हो, क्योंकि एग्जाम पोर्टल 2 दिन के लिए अंडर मेंटेनेंस है, और जैसे ही एग्जाम पोर्टल शुरू होगा आप सबके टेस्ट सीरीज वापिस से स्टार्ट हो जाएंगे, और नए बच्चों के जिनके रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुए हैं उनके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, 0 प्राइस टेस्ट सीरीज रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड वेरी सून। यानी जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, टेस्ट सीरीज के जो रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे अभी मुझे कॉल करते हैं और मैसेज करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन भी जल्दी ही वापिस ओपन कर दिया जाएगा। देखिए बच्चे, एवरीडे क्लास टाइम सुपर लेक्चर्स, यानी 10-11 PM सुपर लेक्चर्स का जो टाइम होता है वो 10-11 PM होता है। सब बच्चे टाइम को नोट कर लें, ध्यान रखिएगा, और परेशान ना हो कि क्लास टाइम कितनी बजे होता है, तो 10-11 PM तक हमारा क्लास टाइम रहता है। आफ्टर ऋषिकेश वी विल स्टार्ट द डेली स्पेशल क्रैश कोर्स। सबसे ज्यादा बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं यहां से, वो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस, आप देख लीजिएगा, कि जैसे ही एम्स ऋषिकेश एग्जाम होगा इसके बाद दिल्ली स्पेशल क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। दिल्ली स्पेशल क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर दिल्ली का कंक्लूजन करेंगे। और लास्ट नोटिस, हेलो फ्रेंड्स, आई एम बुगली, हर हर बुगली, घर घर बुगली। दोस्तों, आई एम बुगली एंड हर हर बुगली, घर घर बुगली। तो आज दोस्तों मुझे बताइए आप में से कौन कौन बुगली हैं, और जस्ट जानिएगा हर हर बुगली, घर घर बुगली। तो चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है, देखिएगा, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर हाइपोफाइसेक्टोमी एंड नोट्स द क्लियर नेजल ड्रेनेज फॉर द क्लाइंट नोस्टिल, द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन। आंसर प्लीज। आपसे कहा जा रहा है कि क्लाइंट जस्ट अंडरगोन द क्लाइंट इज केयरिंग फॉर द हाइपोफाइसेक्टोमी, इस क्लाइंट को कौन सा सर्जरी हुआ है, हाइपोफाइसेक्टोमी, एंड नोट द क्लियर नेजल ड्रेनेज, क्लियर नेजल ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट्स नोस्टिल, द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन, लोअर द हेड ऑफ बेड, टेस्ट द ड्रेनेज फॉर ग्लूकोज, ऑब्टेन अ कल्चर ऑफ द ड्रेनेज एंड कंटिन्यू टू ऑब्जर्व द ड्रेनेज। व्हाट इज योर राइट आंसर?
यस आई अंडरस्टैंड माय प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हर हर वुगली घर घर वुगली। तो जल्दी से अब हम पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं और आंसर देखेंगे कि क्वेश्चन करना शुरू करिएगा। हाइपोफाइसेक्टोमी के बाद जस्ट क्लियर नेजल ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट नॉस्टिल द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन। तो चलिएगा जस्ट बात बताता हूं मैं आपको कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाएगा और यह आंसर कहां से आया है। तो जस्ट देखिएगा ध्यान से। पहली बात बच्चे, हम जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। तो शुरुआत में जानिए आप पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स के बारे में जानिए, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर। तो जस्ट बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर दो टाइप से पढ़ेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरे होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बच्चे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड भी दो डिजीज हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहला हाइपर सिक्रेशन, इट मीन्स हाइपर पिट्यूटरिज्म, हाइपर पिट्यूटरिज्म, हाइपर पिट्यूटरिज्म। दूसरी तरफ हम कहेंगे बच्चे हाइपोपिट्यूटरिज्म, यस और नो। तो सिंपली देखिएगा हाइपोपिट्यूटरिज्म यानी हाइपोपिट्यूटरिज्म एंड हाइपर पिट्यूटरिज्म। बच्चे जब कभी भी किसी भी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होता है तो ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होने से उस ग्लैंड से कंसर्न्ड ग्लैंड से रिलेटेड सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, किस कारण से होगा देखिएगा। यदि अगर ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है और बच्चों यदि अगर इसके आसपास सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है तो ये ट्यूमर इस ग्लैंड को कंप्रेस करेगा और ट्यूमर ट्यूमर की वजह से ग्लैंड का यदि कंप्रेशन हुआ तो इसके सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएंगे। और यदि अगर ट्यूमर ग्लैंड की सेल्स के अंदर बनता है, यदि अगर ट्यूमर का फॉर्मेशन ग्लैंड की सेल्स के अंदर बनता है तो क्या होगा, अरे ग्लैंड के अंदर सिक्रेटरी सेल्स है और उन्हीं सेल्स के अंदर यदि अगर एडेनोमा होता है तो वो ट्यूमर सेल्स ऑल्सो स्टार्ट टू सिक्रेट द सेम हार्मोन्स रिजल्टिंग इन द एक्सेसिव एलिवेशन ऑफ द कंसर्न्ड हार्मोन। यानी बच्चे जो ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है उन्हीं हार्मोन्स का ब्लड लेवल बढ़ जाएगा। तो दो बात ध्यान रखिएगा, ट्यूमर के कारण ग्लैंड के सिक्रेशन डिक्रीज भी हो सकते हैं। यदि अगर मैं कहूं बच्चा कि ये ग्लैंड है और यदि अगर इस ग्लैंड के पास में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है तो दिस ट्यूमर कंप्रेसेस टू द ग्लैंड रिजल्टिंग इन द डिक्रीज सिक्रेशन। और यदि अगर ट्यूमर का फॉर्मेशन इसी ग्लैंड की सेल्स के अंदर होता है तो ग्लैंड सेल्स आर द सीक्रेटरी सेल्स एंड द ट्यूमर सेल ऑल्सो स्टार्ट टू सीक्रेट द सेम हार्मोन और इस वजह से जस्ट उस ग्लैंड के सीक्रेटरी हार्मोन्स का ब्लड लेवल बढ़ जाएगा। तो दोनों तरह की कंडीशन आ सकती है, हाइपर पिट्यूटरिज्म एंड हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो बच्चे जानिएगा हाइपर पिट्यूटरिज्म क्या होता है। हाइपोपिट्यूटरिज्म मोस्टली होता है बच्चे पिट्यूटरी एडेनोमा के कारण, यस और नो। या फिर इस डिजीज को कहा जाता है बच्चा एक्रोमेगैली। क्या बोलते हैं, एक्रोमेगैली, अंडरस्टैंड बच्चों। तो जस्ट हम एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, एक्रोमेगैली, हाइपर पिट्यूटरिज्म या फिर पिट्यूटरी एडेनोमा। दूसरा हम हाइपोसिक्रेशन पढ़ने वाले हैं जिसको कहेंगे हम हाइपोपिट्यूटरिज्म, यस और नो। और पिट्यूटरी का यदि हाइपर सिक्रेशन होता है तो इसके कारण जो डिसऑर्डर होता है वो होता है एक्रोमेगैली और कहते हैं पिट्यूटरी एडेनोमा। बच्चे इसी प्रकार से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो डिसऑर्डर होते हैं, हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन एंड दूसरा होता है हाइपर सिक्रेशन। बच्चे यदि अगर आपसे कहें पिट्यूटरी के पोस्टीरियर डिसऑर्डर तो पोस्टीरियर डिसऑर्डर में स्पेशली जो डिजीज हम पढ़ते हैं एमएसएन के अंदर वो केवल एडीएच के कारण पढ़ते हैं। यदि अगर बच्चों एडीएच का डिक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ द एडीएच, एडीएच का सिक्रेशन घट जाए तो डिजीज पढ़ेंगे हम डायबिटीज इंसिपिडस। यदि अगर सिक्रेशन एडीएच का बढ़ जाए तो डिजीज हम पढ़ेंगे बेटा एसआईएडीएच, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच। तो चारों डिसऑर्डर आपके सामने हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, तो सबसे पहला हमने कहा पिट्यूटरी एडेनोमा होता है, तो दैट इज द एक्रोमेगैली। यदि अगर हाइपोसिक्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर एडीएच देन द डायबिटीज इंसिपिडस एंड इफ द हाइपर सिक्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन स्पेशली द एडीएच रिजल्टिंग इन द एसआईएडीएच। क्लियर हो गया है गाइस। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे हाइपर सिक्रेशन के बारे में और एक्रोमेगैली के बारे में। तो बच्चे जब पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक्रोमेगैली होता है तो एक्रोमेगैली किस कारण से हुआ है, एडेनोमा के कारण हुआ है। और एडेनोमा का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है बच्चे सर्जिकली रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर। पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर्स को सर्जिकली रिमूव करना ही हाइपर पिट्यूटरिज्म का ट्रीटमेंट होगा। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांस स्फिनोइडल
हाइपोफाइसेक्टॉमी, क्या करना पड़ेगा? ट्रांस स्फिनोइडल हाइपोफाइसेक्टॉमी, यस और नो? ट्रांस स्फिनोइडल हाइपोफाइसेक्टॉमी। अब आप जान लीजिएगा हाइपोफाइसिस ग्लैंड कहाँ होती है। तो बच्चे हाइपोफाइसिस ग्लैंड का लोकेशन होता है जस्ट ब्रेन या स्कल को फॉर्मेशन करने वाली स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन, स्कल का फॉर्मेशन कौन सी बोन करती है? स्कल का फॉर्मेशन करती है बच्चा, स्कल का फॉर्मेशन होता है स्फिनोइड बोन से। किस बोन से? स्फिनोइड बोन से स्कल का फॉर्मेशन होता है। किससे होता है? से होता है, जस्ट स्कल का फॉर्मेशन होता है स्फिनोइड बोन से। किससे होता है? स्कल, यानी स्फिनोइड बोन जस्ट फॉर्म करती है स्कल को। क्या फॉर्म करती है? स्कल फॉर्म करती है, और स्कल को फॉर्मेशन होता है। इस वजह से जस्ट क्या होगा बच्चा, जस्ट हम जाने कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। तो सिंपली वी नो दैट कि स्कल का फॉर्मेशन करने वाली स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड बोन से क्या होगा? स्फिनोइड बोन में होता है बच्चा सेला टर्सिका डिप्रेशन। क्या होता है? सेला टर्सिका डिप्रेशन। स्कल में क्या होता है? सेला टर्सिका डिप्रेशन, और सेला टर्सिका डिप्रेशन में एक फोसा होता है जिसको कहते हैं बच्चा हाइपोफाइसिस। कहा जाता है हाइपोफाइसिस ग्लैंड। क्यों कहा जाता है इसे हाइपोफाइसिस ग्लैंड? बिकॉज स्फिनोइड बोन है। कौन सा बोन है? स्फिनोइड बोन है, और स्फिनोइड बोन के अंदर, स्फिनोइड बोन में एक डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन को बोलते हैं बच्चा जस्ट जस्ट सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका डिप्रेशन। तो सेला टर्सिका डिप्रेशन के अंदर एक फोसा होता है, इस फोसा को कहा जाता है हाइपोफाइसियल फोसा। क्या बोलते हो? हाइपोफाइसियल फोसा। और जब हमने रिसर्च करके देखा तो हमें इस हाइपोफाइसियल फोसा के अंदर एक सीक्रेटरी ग्लैंड मिला। क्या मिला? एक सीक्रेटरी ग्लैंड मिला, और इसलिए इस सीक्रेटरी ग्लैंड को नाम दे दिया हाइपोफाइसिस ग्लैंड। क्या बोला बच्चा? हाइपोफाइसिस ग्लैंड। क्या नाम दिया गया? हाइपोफाइसिस ग्लैंड। अब आज हम एक ऐसी डिजीज पढ़ रहे हैं जिसमें क्या हुआ है, इस हाइपोफाइसिस ग्लैंड के अंदर हो गया है एडेनोमा। क्या हो गया है? एडेनोमा हो चुका है। मींस एडेनोमा होते ही ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब ट्यूमर सेल्स जो बनी है, दिस ट्यूमर सेल आल्सो स्टार्ट टू सीक्रेट द सेम हार्मोन, एंड सो द कंसर्न्ड हार्मोन लेवल विल बी इंक्रीज्ड इन द ब्लड, एंड दिस इज कॉल्ड एक्रोमेगैली। क्या कहा गया इसे? इसे कहा गया बच्चा एक्रोमेगैली। जब एक्रोमेगैली हो जाएगा तब क्या होगा, देखिएगा। अब देखते हैं बात, तो एक्रोमेगैली जब होता है तो किस तरह से हम बात करेंगे एक्रोमेगैली के केस में। तो बच्चा एक्रोमेगैली के लिए सबसे पहली बात तो जानिएगा कि जस्ट ये करना होता है ट्रांसस्फिनोइडल। तो सबसे पहली बात करते हैं बच्चा कि इसका सर्जिकली इंसीजन कहाँ से होगा। तो एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली से जस्ट हम जाने पहली बात तो कि किस तरह से एक्रोमेगैली होता है। तो एक्रोमेगैली के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो क्लाइंट अपियरेंस बिकम, जब पेशेंट का फेस होगा बच्चे वो हो जाता है गोरिल्ला फेस। कैसा होगा? एक्रोमेगैली वाले पेशेंट का फेस होगा गोरिल्ला फेस। स्कैल्प कैसा होगा? बुलडॉग स्कैल्प। कैसा होगा? बुलडॉग स्कैल्प। देन यहाँ पर सुप्रा क्लेविकुलर फैट के डिपोजिशन की वजह से हो जाता है काइफोसिस। क्या हो जाता है? काइफोसिस। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द जीएच, जीएच के हाइपर सिक्रेशन के कारण क्या हो जाता है? एक्सट्रीमिटीज की ग्रोथ एनलार्ज्ड हो जाती है। एक्सट्रीमिटीज बिकम एनलार्ज्ड, तो एक्सट्रीमिटीज की लेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फेस बिकम गोरिल्ला लाइक, बुलडॉग स्कैल्फ, गोरिल्ला फेस, काइफोसिस, एनलार्ज्ड एक्सट्रीमिटीज, दिस इज कॉल्ड द एक्रोमेगैली। क्या कहा बच्चे? इसे कहा गया एक्रोमेगैली। देखिएगा क्या हुआ, एक्रोमेगैली बोले तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ द जीएच। किसका हाइपर सिक्रेशन? जीएच का हाइपर सिक्रेशन। और बच्चा जीएच ग्लूकोज रेगुलेटरी हार्मोन है, ग्लूकोज रेगुलेटरी हार्मोन होने के कारण जीएच बढ़ेगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ग्लूकोज बढ़ेगा, और एक्सेसिव ग्लूकोज बढ़ा तो इस ग्लूकोज से क्या होगा? लाइपोजेनेसिस होगा। क्या होगा बच्चा? लाइपोजेनेसिस होगा। और यदि अगर लाइपोजेनेसिस बढ़ा तो ये लाइपोजेनेसिस धीरे धीरे जाकर के कहाँ डिपोजिट होगा? डिपोजिटेड इन सुप्रा क्लेविक्यूलर एरिया। कहां पर जाकर के डिपॉजिट होगा? सुप्रा क्लेविक्यूलर एरिया। सुप्रा क्लेविक्यूलर एरियाज में डिपॉजिट होने से पेशेंट का अपियरेंस विल बिकम द काइफोटिक। कैसा हो जाएगा? काइफोटिक। तो बच्चा पेशेंट कैसा हो जाएगा? काइफोटिक पेशेंट हो जाता है।
इसके अलावा और क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, जस्ट द पेशेंट फेस, जस्ट पेशेंट स्कैल्प अपियर लाइक दैट द बुलडोग, तो बुलडोग स्कैल्प यस और नो, फेस अपियरेंस विल बिकम लाइक द गोरिल्ला, तो जस्ट एक्रोमिगेली के पेशेंट का फेस अपियरेंस कैसा होगा, गोरिल्ला फेस। बच्चों इसके साथ साथ ही हम कहें तो पेशेंट के जो एक्सट्रीमिटीज है, क्योंकि जीएच एक ग्रोथ हार्मोन है और बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और जैसे ही जीएच का एक्सट्रीम लेवल होगा ब्लड के अंदर, एक्सेसिव हैंड्स और एक्सट्रीमिटीज की ग्रोथ हो जाती है। यानी कि आपने देखा हो खली को, तो खली को देखा है तो खली जैसा स्कैल्प अपियरेंस हो जाता है, फेस हो जाता है, और नीचा जबड़ा प्रोग्नेथिज्म जैसा हो जाता, प्रोट्रूजन कर जाता है, तो प्रोट्रूजन ऑफ द लोअर जो इज कॉल्ड प्रोग्नेथिज्म। तो नेक्स्ट सिम्टम क्या होगा बच्चा, प्रोग्नेथिज्म होगा, यस और नो। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा कि एक्सट्रीमिटीज बिकम एनलार्ज्ड, एक्सट्रीमिटीज बिकम एनलार्ज्ड, तो एक्सट्रीमिटीज भी एनलार्ज्ड हो जाते हैं, तो एक्सट्रीमिटीज बिकम एनलार्ज्ड, दीज आर द क्लिनिकल फीचर इन द क्लाइंट विद किस विद द एक्रोमिगेली, किसके साथ। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहली बात कहा काइफोटिक हो गया है, सुप्रा क्लेविकुलर फैट डिपोजिशन हो गया है, क्यों हुआ है, क्योंकि जीएच एक ग्लूकोज रेगुलेटरी हार्मोन है, ग्लूकोज बढ़ेगा तो फैट का लाइपोजेनेसिस बढ़ेगा, लाइपोजेनेसिस बढ़ा तो सुप्रा क्लेविकुलर एरिया में जमा होगा, सुप्रा क्लेविकुलर एरिया में जमा हुआ तो क्या हुआ, काइफोसिस हुआ, क्या हुआ, काइफोसिस हुआ, बोन्स की ग्रोथ एनलार्ज हो गई, बोन की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, तो क्या हुआ, एक्सट्रीमिटीज बिकम एनलार्ज, प्रोग्नेथिज्म, गोरिल्ला फेस, बुलडोग स्कैल्प, यस और नो। बच्चे जिस तरह की अपियरेंस पेशेंट को आ चुका है, अब एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि जस्ट यू आर प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर द सर्जरी, अब हमें पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है, मीन सर्जरी कौन सा, ट्रांस स्फिनोइडल हमें हाइपोफाइसेक्टॉमी करना है, ट्रांस स्फिनोइडल हाइपोफाइसेक्टॉमी करना है, तो बच्चा ट्रांस स्फिनोइडल हाइपोफाइसेक्टॉमी करना है, तो सर्जरी से पहले व्हाट विल बी द क्लाइंट सेइंग्स, क्लाइंट सेइंग्स क्या होगी, क्लाइंट हमसे क्या पूछेगा, सर्जरी से पहले एक क्लाइंट क्वेश्चन पूछेगा कि क्यू साहब मैं इतनी डेंजरस सर्जरी के लिए तैयार तो हो जाऊं, लेकिन क्लाइंट सेइंग्स क्या होगी, क्लाइंट क्या पूछेगा, अरे क्लाइंट हमसे ये पूछेगा, अल्टीमेटली आंसर देना, क्या आफ्टर सर्जरी कैन आई विल बिकम नॉर्मल, क्या मेरा साइज बॉडी का जो अपियरेंस है इट विल बिकम नॉर्मल, व्हाट विल बी द क्लाइंट सेइंग, इज माय बॉडी अपियरेंस विल बिकम नॉर्मल। तो एग्जाम में ध्यान रखना, जस्ट अ क्लाइंट इज प्रिपेयरिंग फॉर द हाइपोफाइसेक्टॉमी, व्हाट विल बी द क्लाइंट सेइंग्स, तो क्लाइंट सेइंग्स क्या होगी सर्जरी से पहले, प्री ऑपरेटिवली व्हाट विल बी द क्लाइंट सेइंग्स, इज माय बॉडी अपियरेंस विल बिकम नॉर्मल, अंडरस्टैंड। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, इज माय बॉडी, पेशेंट क्या कहेगा, इज माय बॉडी अपियरेंस, इज माय बॉडी अपियरेंस विल बिकम, विल बिकम नॉर्मल, क्या मेरा बॉडी अपियरेंस नॉर्मल हो जाएगा, तो दैट वाज द क्लाइंट सेइंग्स, तो ये स्टार क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा बच्चे, व्हाट इज द नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट विद द एक्रोमिगेली, तो एक्रोमिगेली की वजह से बॉडी का जो एनलार्ज्ड साइज हो जाता है बच्चे, साइज विल बिकम एनलार्ज्ड, और एनलार्ज्ड साइज की वजह से जस्ट द पेशेंट इज फीलिंग द एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इसलिए पेशेंट की बॉडी में वीकनेस होता है, ज्वाइंट पेन होता है, और साथ के साथ ही एक्टिविटीज करने में उसे परेशानी आती है, तो व्हाट विल बी द नर्सिंग डायग्नोसिस विद द फॉर द पेशेंट विद एक्रोमिगेली, जस्ट वी विल आंसर सर, वन ऑफ द सिंगल नर्सिंग डायग्नोसिस इन द पेशेंट विद द एक्रोमिगेली इज एक्टिविटी इंटॉलरेंस, क्या होता है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस होता है, करना है, क्लियर है, तो हाइपोफाइसेक्टॉमी करना है, तो अब जानिएगा हाइपोफाइसेक्टॉमी कैसे करते हैं, तो हाइपोफाइसेक्टॉमी के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चा, हाइपोफाइसेक्टॉमी के लिए इंसीजन साइट, क्या पूछा जा सकता है, इंसीजन साइट, तो देखिएगा इंसीजन साइट क्या होगा, तो बच्चे हाइपोफाइसेक्टॉमी, जस्ट वी आर गोइंग टू डू द हाइपोफाइसेक्टॉमी, एंड वी नो दैट हाइपोफाइसिस ग्लैंड इज द अनदर नेम ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दिस इज लोकेटेड इन द हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ द स्पिनोइड बोन, सेला टर्सिका डिप्रेशन, एंड इन द सेला टर्सिका डिप्रेशन, सो जस्ट वी आर जस्ट डूइंग द इंसीजन अपर जिंजिवल म्यूकोजा, तो आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा व्हाट इज द साइट ऑफ द इंसीजन इन केस ऑफ द हाइपोफाइसेक्टॉमी, तो दिस इज अपर जिंजिवल म्यूकोजा, अपर जिंजिवल म्यूकोजा इन द माउथ,
थ्रो द नेजल सेप्टम, वन साइड ऑफ नेजल सेप्टम, थ्रो द वन साइड ऑफ नेजल सेप्टम, थ्रो द जस्ट स्फिनोइड साइनस वी डू द हाइपोफाइसेक्टॉमी. तो व्हाट इज द साइट ऑफ इंसिजन टू डू द हाइपोफाइसेक्टॉमी, तो अपर जिंजिवल म्यूकोसा इन द माउथ, वन साइड ऑफ नेजल सेप्टम, थ्रो द स्फिनोइड साइनस. याद रखना क्या होगा हाइपोफाइसेक्टॉमी करने के लिए इंसिजन का साइट, तो जस्ट बच्चे थ्रो दी अपर जिंजिवल म्यूकोजा वन साइड ऑफ नेजल सेप्टम थ्रो स्फिनोइड साइनस. क्लियर है बात? अंडरस्टैंड गाइस? तो यहां से बात समझ में आ गई है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द साइट ऑफ इंसिजन टू डू द हाइपोफाइसेक्टॉमी. बच्चों हाइपोफाइसेक्टॉमी करने के लिए हम इंसिजन करते हैं थ्रू द अपर जिंजिवल म्यूकोजा, वन साइड ऑफ नेजल सेप्टम, थ्रू द स्फिनोइड साइनस. अपर जिंजिवल म्यूकोजा इन द माउथ, वन साइड ऑफ नेजल सेप्टम, एंड थ्रू द जस्ट स्फिनोइड साइनस वी डू द हाइपोफाइसेक्टॉमी. तो जब हम ट्रांस स्फिनोइडल, इसलिए क्या कहा ट्रांस स्फिनोइडल हाइपोफाइसेक्टॉमी, तो जब ट्रांस स्फिनोइडल हाइपोफाइसेक्टॉमी करेंगे तो गिफ्टेड क्या होगा क्रेनियोटॉमी तो करना ही पड़ेगा. तो क्या होगा स्फिनोइड बोन में आपने इंसिजन किया है तो स्फिनोइड बोन से होते हुए आपने इंसर्ट किया है इंस्ट्रूमेंट को, सो क्रेनियोटॉमी इज गिफ्टेड सर्जरी. इसलिए क्रेनियोटॉमी तो सेकेंडरी सर्जरी होगा ही होगा, यस और नो? तो क्रेनियोटॉमी होगा. तो फिर आइए जानते हैं, अब हम बात करते हैं सर्जरी में हमने पिट्यूटरी एडेनोमा को रिमूव कर दिया है, तो सर्जिकली हमने क्या किया बच्चा हाइपोफाइसेक्टॉमी करके हमने पिट्यूटरी एडेनोमा को रिमूव कर दिया है. पिट्यूटरी एडेनोमा को रिमूव करने के बाद वी नो दैट नेजल पैक द नोज. तो सबसे पहली बात करें पैक द नोज विद गोज, तो नोज को वापिस से पैक किया जाता है गोज के साथ. वाई? बिकॉज नेजल ब्लीडिंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू दिस सर्जरी. क्या होगा नेजल ब्लीडिंग होगा, तो नेजल ब्लीडिंग से प्रिवेंशन के लिए वी नीड टू पैक द नोज से नोज को पैक किया जाता है. अंडरस्टैंड? वी नीड टू मेंटेन द ओरल हाइजीन. आपको जरूरत है पेशेंट का ओरल हाइजीन मेंटेन करने की. और बच्चे विच सॉल्यूशन इज यूज टू मेंटेन द ओरल हाइजीन, तो यहां ध्यान रखना we will maintain the oral hygiene by using the NS. NS की मदद से oral hygiene maintain करना है क्योंकि oral incision है और यदि अगर oral hygiene maintain नहीं किया तो infection brain तक चला जाएगा. Then उसके बाद just बच्चे हमने जब surgery किया है तो हमने अभी आपसे कहा कि craniotomy तो हुआ ही हुआ, yes or no? और बच्चा यदि craniotomy हुआ तो आपने ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरेक्नोइड मैटर में इंसिजन किया होगा, तो ब्रेन के मेनिंजीज में इंसिजन होगा. ब्रेन की तीन मेनिंजीज होती है इन शॉर्ट डीएपी. आउटर मोस्ट इज ड्यूरा मैटर, मिडिल इज एरेक्नोइड मैटर, इनर मोस्ट इज द पाया मैटर. तो बच्चे ड्यूरा मैटर के अंदर इंसिजन किया तो ड्यूरा मैटर में इंसिजन करते ही और नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है बच्चों सीएसएफ लीकेज. क्या हो सकता है सीएसएफ लीकेज. तो याद रखिएगा अब मैं पहुंच चुका हूं जहां से हमने क्वेश्चन पूछा था, मैं उस रेशनल तक पहुंचने वाला हूं. क्या होगा जस्ट सीएसएफ लीकेज होगा. क्या होगा बच्चा सीएसएफ लीकेज होगा. अब हम जानते हैं कि यदि अगर सीएसएफ लीकेज होगा तो ये सीएसएफ लीकेज होगा तो ये नेजल ड्रेनेज में लीकेज होगा तो कहां जाकर कलेक्ट होगा. तो आइए जानते हैं यदि अगर सीएसएफ लीकेज होगा बच्चों तो इट विल, अब मैं वापिस से बताता हूं बोर्ड पे. तो यदि अगर सेकंड कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, तो बच्चा इस केस में क्या होगा सीएसएफ लीकेज. यदि अगर ब्रेन के मेनिंजीज डैमेज हो जाते हैं तो क्या होगा सीएसएफ लीकेज होगा. यदि सीएसएफ लीकेज होगा तो इट विल एक्यूमुलेटेड, अगर ये सीएसएफ लीकेज होने लगा तो कहां जाके कलेक्ट होता है, इट विल एक्यूमुलेटेड इन द फेरिंजियल एरिया. कहां पर कलेक्ट होगा,
फेरिंजियल एरिया में जाकर कलेक्ट होगा, फेरिंजियल एरिया में कलेक्ट होता है। सो जस्ट वी नीड टू टेस्ट द फेरिंजियल सिक्रेशंस, दीज सिक्रेशंस वी नीड टू टेस्ट फॉर ग्लूकोज। बच्चे वी नो दैट कि जस्ट CSF एंड यदि अगर जनरल सिक्रेशंस में कंपैरिजन करें तो जनरल सिक्रेशंस में ग्लूकोज नहीं होता है और CSF में काफी ज्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज होता है। तो जस्ट हाउ वी कैन कंफर्म दैट इट इज CSF, हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो फेरिंजियल सिक्रेशन कलेक्ट हो रहा है ये CSF है, तो कैसे कंफर्म किया जा सकता है? वी नीड टू डू द टेस्ट फॉर ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज के लिए टेस्ट करना है। और यदि अगर CSF से जो फेरिंजियल सिक्रेशन से फेरिंजियल सिक्रेशन में यदि अगर ग्लूकोज काफी रिच आ रहा है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज है, तो वी कंफर्म दैट इट इज द CSF लीकेज। क्या हो रहा है बच्चा? CSF लीकेज हो रहा है। तो वी नीड टू हाउ वी कैन कंफर्म इट दैट इट इज द लीकेज ऑफ CSF। तो जस्ट वी नीड टू टेस्ट द फेरिंजियल सिक्रेशंस, फेरिंजियल फ्लूड, कलेक्टेड फ्लूड, वी नीड टू कंफर्म दिस फ्लूड फॉर द ग्लूकोज। एंड इफ द ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन दिस फ्लूड इन एक्सेसिव अमाउंट, इट इज श्योर CSF। क्या है ये CSF होता है। इसीलिए ध्यान रखिए, हाइपोफाइसेक्टोमी के बाद फेरिंजियल सिक्रेशन शुड बी कंफर्म्ड फॉर द ग्लूकोज। और ग्लूकोज को कंफर्म करने के लिए टेस्ट भी याद रखिएगा, टेस्ट का नाम भी देख लें, इसे कहते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है ग्लूकोज को कंफर्म करने के लिए? नॉर्मली ग्लूकोज को कंफर्म किया जाता है बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो आइएगा अब मैं पहुंच जाता हूं क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन ने पूछा था वो क्या कहा था? नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर द हाइपोफाइसेक्टोमी एंड नोट द क्लियर नेजल ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट्स नोस्टिल, द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन। तो इनिशियल एक्शन वी नीड टू टेस्ट द ड्रेनेज फॉर ग्लूकोज, बिकॉज वी आर जस्ट सस्पेक्टिंग दैट, हमें डाउट है कि कहीं दिस फ्लूड इज Not a CSF, कहीं ये फ्लूड CSF तो नहीं है। इट मीन CSF होगा तो मीन्स क्या हुआ? मेनिंजियल DAP को ट्रॉमा हुआ है, यानी क्रेनियोटॉमी में ब्रेन के मेनिंजीज रप्चर हो चुके हैं। और मेनिंजियल रप्चर यदि हुआ बच्चों, तो मेनिंजियल रप्चर की वजह से और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो पेशेंट का ICP बढ़ सकता है। तो अब हम जानते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है, हाइपोफाइसेक्टोमी की वजह से और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो वो भी आप जान लीजिएगा बच्चों। हाइपोफाइसेक्टोमी करने के कारण ICP बढ़ सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बच्चों इन्फेक्शन। नेक्स्ट हाइपोफाइसेक्टोमी के कारण हो सकता है मेनिंजाइटिस। क्या हो सकता है? मेनिंजाइटिस। अंडरस्टैंड बच्चों? तो मेनिंजाइटिस में आल्सो बी द कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू हाइपोफाइसेक्टोमी, ICP बेबी राइज एंड इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन में अकर्स, CSF लीकेज में अकर्स, नोज ब्लीड में आल्सो बी द कॉम्प्लिकेशन, नेजल ब्लीडिंग आल्सो में बी द कॉम्प्लिकेशन। तो नेजल ब्लीडिंग भी कॉम्प्लिकेशन होता है, और नेजल ब्लीडिंग शुड बी पैक्ड विद द गोज। अंडरस्टैंड? गोज से पैक्ट किया था हमने। एंड देन व्हाट वी विल डू टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस? तो जस्ट वी नीड टू मेंटेन द ओरल हाइजीन। हमें क्या मेंटेन करना है पेशेंट का? हमें ओरल हाइजीन मेंटेन किया जाना चाहिए टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस। अंडरस्टैंड बच्चों? देन यदि अगर DAP को इंजरी होती है, यानी कि ड्यूरामेटर को इंजरी होती है, तो ड्यूरामेटर अगेन रिपेयर्ड बाय यूजिंग द फेसिया। तो बच्चे मसल फेसिया क्या यूज करके और ड्यूरामेटर को रिपेयर किया जाता है? जो ड्यूरामेटर में इंजरी होती है, तो ड्यूरामेटर विल बी रिपेयर्ड बाय यूजिंग द मसल फेसिया। बच्चे बॉडी के अंदर जब आप लेयर्स को देखोगे, चलो फेसिया क्या होता है ये भी बताता हूं। जब बॉडी को हम आउटर टू इनर देखेंगे बच्चा, तो आउटर टू इनर जब हम बॉडी को देखेंगे, तो आउटर टू इनर देखने पर क्या होगा? ये देखिए, आउटर टू इनर सबसे आउटर लेयर इपिडर्मी से, फिर क्या है डर्मी से, फिर क्या है सबक्यूटेनिया से, और फिर क्या है मसल है। बच्चा मसल के ऊपर जो सुपरनेटेंट लेयर होती है, इस सुपरनेटेंट लेयर को बोलते हैं फेसिया। क्या बोलते हैं? फेसिया। और जब हम बर्न पढ़ाएंगे तो बर्न में भी आपको एक सर्जरी बताएंगे, फेसियोटॉमी। तो फेसियोटॉमी क्या है? सबक्यूटेनियस टिश्यू तक इंसीजन करना प्रेशर को कम करने के लिए, दैट इज द फेसियोटॉमी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, मसल फेसिया विल बी यूज टू
मेनिंजीज, मेनिंजीज को रिपेयर करने के लिए, मेनिंजीज को रिपेयर करने के लिए व्हाट विल बी यूज्ड, वी विल यूज द फेसिया ऑफ द मसल। मसल फेसिया कहां से लिया जाता है? या तो लिया जाता है एब्डोमिनल मसल से, कहां से लोगे? एब्डोमिनल मसल से, या फिर लोगे बच्चा थाई से। कहां से लोगे? या तो थाई से लोगे या फिर लोगे एब्डोमिनल मसल से। तो क्लियर है गाइस, ये था टोटली हाइपोफाइसेक्टॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि सिंपली। इसके बाद दूसरी बात अगर मैं कहूं तो एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको। देखिएगा, अभी थोड़ा सा और मैं बता देता हूं आपको ये फेसिया से रिलेटेड। अब यदि मैं आपसे थोड़ा सा बात करता हूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के डिसऑर्डर, एक और एंटीरियर पिट्यूटरी का डिसऑर्डर पढ़ाता हूं। एक्रोमेगैली कंप्लीट है मेरी तरफ से, तो एक्रोमेगैली कंप्लीट है, लेक्चर को रिव्यू करके देख लेना, मजा आ जाएगा वापस से। ओके, पूरा एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली के साथ साथ पिट्यूटरी एडेनोमा के नाम से भी क्वेश्चन आता है। कभी तो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर एक्रोमेगैली के नाम से, कभी इसी का क्वेश्चन आता है बच्चा पिट्यूटरी एडेनोमा के नाम से, कभी इसका क्वेश्चन आता है किसके नाम से, कभी इसका क्वेश्चन आता है हाइपर पिट्यूटरिज्म, कभी हाइपर पिट्यूटरिज्म के नाम से क्वेश्चन आता है। तो किसी भी तरह से आए, एक्रोमेगैली से आ जाए, हाइपर पिट्यूटरिज्म से आ जाए या पिट्यूटरी एडेनोमा से आ जाए, आप कंफर्म श्योर रहिएगा हमेशा, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप घबराओगे नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी बच्चे आज पढ़ रहे हैं लाइव यहाँ पर बैठ करके, करीब 482 यानी कितने हैं, 432 है, 482 है, सही से दिख नहीं पा रहा है, तो जितने 433 बच्चे जितने आज पढ़ रहे हैं लाइव, वो सारे बच्चों पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बच्चा तो एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा, चाहे कोई भी एम्स का एग्जाम उसको दिला लिया जाए। अंडरस्टैंड, यानी श्योर परफेक्ट नॉलेज बच्चों को मिल रहा है वोगली स्टूडियो के माध्यम से। अंडरस्टैंड बच्चों, तो जस्ट देखिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं पिट्यूटरी के और डिसऑर्डर। तो पिट्यूटरी के मैंने कितने डिसऑर्डर बताए बच्चे आपको? पिट्यूटरी के 4 डिसऑर्डर बताए, एंटीरियर के और पोस्टीरियर के। तो एंटीरियर के हमने कहा कि हाइपर हाइपो, एंटीरियर के हाइपर हाइपो और हाइपो। इसी तरह से हमने कहा पोस्टीरियर के भी डिसऑर्डर दो तरह के, हाइपर हाइपो, हाइपर और हाइपो। तो बच्चा हाइपर हाइपो यानी सिंपली हाइपर से हमने अभी अभी पढ़ा एक्रोमिगेली, तो एक्रोमिगेली एंटीरियर पिट्यूटरी का डिसऑर्डर था। अंडरस्टैंड, दूसरा हमने कहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे, एक तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हाइपर के कारण पढ़ेंगे, एक हाइपो के कारण पढ़ेंगे। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के डिसऑर्डर एडीएच के कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं? एडीएच के कारण होते हैं, और एडीएच का हाइपो सिक्रेशन होगा तो हम पढ़ेंगे डायबिटीज इंसिपिडस, और हाइपर सिक्रेशन होगा तो हम पढ़ेंगे SIADH। क्या पढ़ोगे? SIADH। तो चलिएगा, अब मैं बताता हूं थोड़ा सा आपको डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। तो डायबिटीज इंसिपिडस देख लीजिएगा आप शॉर्ट में। तो डायबिटीज इंसिपिडस द डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ ADH। डायबिटीज इंसिपिडस का मीन्स क्या हुआ? ADH डिक्रीज हो गया है बच्चा। ADH का डिक्रीज होना मीन्स डिक्रीज्ड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ किसका रीएब्जॉर्प्शन घटेगा? तो डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड H2O का रीएब्जॉर्प्शन घट गया है। सोडियम एंड H2O का किडनी ट्यूबुल्स में यदि रीएब्जॉर्प्शन घटा बच्चा तो क्या होगा? पॉलीयूरिया होगा। क्या होगा? पॉलीयूरिया होगा। और बच्चा यदि अगर पॉलीयूरिया होगा तो जस्ट क्या होगा? यूरिन बिकम मोर डाइल्यूटेड यस और नो? वेयर एज द ब्लड बिकम मोर कंसेंट्रेटेड यस और नो? तो ब्लड तो हो जाता है मोर कंसेंट्रेटेड और यूरिन हो जाता है मोर डाइल्यूटेड। बच्चा यदि अगर पॉलीयूरिया के कारण यूरिन बिकम मोर डाइल्यूटेड यूरिन हुआ, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज्ड यूरिन ऑस्मोलरिटी, तो यूरिन का ऑस्मोलिटी घटा यस और नो? ऑस्मोलिटी घटा, साथ के साथ ही बच्चा यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी घट जाता है। नॉर्मली यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.002, कितना होता है? 1.002। और जब पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है तो पॉलीयूरिया होता है, काफी डाइल्यूटेड यूरिन आता है। तो कंसेप्ट को समझना, यूरिन बिकम मोर डाइल्यूटेड मींस क्या हुआ? पतला हो गया है यूरिन। यूरिन पतला होते ही क्या होगा? ऑस्मोलिटी घट गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी घट गई। तो यहां से क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पुटअप करता है कि क्या हुआ? यूरिन ऑस्मोलिटी विल बिकम डिक्रीज इन केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस।
देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑल्सो डिक्रीज इन केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. वॉट इज द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन? तो देन यू विल आंसर 1.002. क्लियर है गाइस? देन दूसरी तरफ ब्लड बिकम मोर कंसंट्रेटेड. ब्लड गाढ़ा हो गया है, ब्लड गाढ़ा हो गया है तो इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलिटी, ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी बेटा. ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ गई है, यस और नो? तो जैसे ही पोलियूरिया होगा और क्या होगा, पोलियूरिया के कारण क्या होगा, जस्ट द डिहाइड्रेशन. बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना. अरे भाई बात आगे बढ़ाऊं क्या, बात आगे बढ़ाऊं ना, ध्यान से देख रहे हो ना? पूर्ण विश्वास, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं ना, कमेंट देख रहा हूं. अगर आप बात को पूरी कंसंट्रेशन से सुनते रहना, मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि टॉपिक बहुत सीरियस है और एक बार अगर आपने मुझसे पढ़ लिया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है आपसे. अंडरस्टैंड? तो देखिएगा, जैसे ही पोलियूरिया हुआ तो क्या हुआ बच्चा, डिहाइड्रेशन हुआ. तो जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा तो देखिएगा नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा. तो जस्ट डायबिटीज इंसिपिडस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बता रहा हूं आपको. तो क्या होगा क्लिनिकल फीचर डायबिटीज इंसिपिडस में, जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा तो ड्राई स्किन अपियरेंस कैसा होगा, ड्राई स्किन, स्किन टर्गर डिक्रीज्ड. तो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ द क्लाइंट विद डायबिटीज इंसिपिडस? तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ द क्लाइंट विद डायबिटीज इंसिपिडस, तो डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट के क्लिनिकल फीचर होते हैं, क्योंकि सर डिक्रीज एडीएच, एडीएच घटता है तो डिक्रीज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर, सोडियम एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन किडनी ट्यूबुल्स में घटते ही होता है. पोलियूरिया, पोलियूरिया हुआ मींस यूरिन बिकम मोर डाइल्यूटेड, यूरिन बिकम मोर डाइल्यूटेड मींस द डिक्रीज ऑस्मोलिटी ऑफ द यूरिन, डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन लेस देन 1.002. देन दूसरी तरफ कहें तो जैसे ही पोलियूरिया हुआ तो ब्लड बिकम मोर कंसंट्रेटेड, ब्लड बिकम मोर कंसंट्रेटेड मींस इंक्रीज द ब्लड ऑस्मोलिटी. जस्ट बच्चे पोलियूरिया ऑल्सो कॉजेज द डिहाइड्रेशन, क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा. डिहाइड्रेशन होते ही स्किन अपियरेंस विल बिकम ड्राई स्किन, ड्राई स्किन एंड द स्किन टर्गर विल बी डिक्रीज इन द पेशेंट विद द डायबिटीज, इन द पेशेंट विद डायबिटीज इंसिपिडस. तो डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट का स्किन टर्गर भी घट जाएगा. दूसरी तरफ बढ़ाते हैं बात को बच्चा, और क्या होगा. तो जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा तो वी नो दैट डिहाइड्रेशन क्या करेगा, डिहाइड्रेशन स्टिमुलेट द थर्स्ट सेंटर. तो बच्चा डिहाइड्रेशन के कारण क्या होगा, थर्स्ट सेंटर्स स्टिमुलेट होंगे, और थर्स्ट सेंटर यदि स्टिमुलेट होंगे तो नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर क्या होगा बच्चा, पॉलीडिप्सिया. क्या होगा, पॉलीडिप्सिया होगा. क्लियर है बच्चे? तो जस्ट एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव यूरिन, एक्सेसिव थर्स्ट. तो जस्ट द पेशेंट इज सफरिंग विद द एक्सेसिव थर्स्ट विद एक्सेसिव यूरिन आउटपुट विल बिकम एक्सेसिव एंड जो द सो द स्टिमुलेट द थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट हुआ तो जस्ट रिजल्टिंग इन द पॉलीडिप्सिया ऑल्सो अकर्स इन द पेशेंट विद द डायबिटीज इंसिपिडस. तो डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट्स में और क्या होगा, पोलियूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा. फिर से सुनिएगा, एडीएच घटा रीअब्सॉर्प्शन घटा यूरिन आउटपुट बढ़ा डिहाइड्रेशन हुआ स्किन अपियरेंस ड्राई रफ हो गया, स्किन टर्गर घट गया, ब्लड गाढ़ा हो गया, ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ गई, ऑस्मोलिटी बढ़ गई, डिहाइड्रेशन हो गया है, यस और नो, डिहाइड्रेशन हो गया, ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ गई है. इधर क्या हुआ, यूरिन पतला हो गया है मीन्स डाइल्यूटेड हो गया है मीन्स यूरिन की ऑस्मोलिटी घट गई है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी घट गई है, 1.002 से कम हो गया है. यूरिन अपियरेंस का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यूरिन अपियरेंस कैसा आएगा, कलरलेस. यूरिन अपियरेंस कैसा होगा बच्चा, कलरलेस यूरिन अपियरेंस होगा. यानी डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट का यूरिन अपियरेंस कैसा होता है, कलरलेस होता है. कैसा होता है, कलरलेस होता है, यस और नो बच्चे? यहाँ पर मेरे पास बोर्ड कम है इसलिए देखने में आपको परेशानी होगी, लेकिन नजर मत चूकना, आप नजर ऐसी बनाए रखना, एक एक शब्द सुनने पे और समझने पे ध्यान देना, क्योंकि बोर्ड में मैं मिटा भी नहीं सकता, क्योंकि ये टॉपिक पूरे सीक्वेंस में चलता है, इसमें कुछ भी नहीं मिटा सकते. अंडरस्टैंड गाइस? तो क्लियर है, यूरिन अपियरेंस कैसा होगा, कलरलेस होगा. अब बच्चे जब कभी भी ऐसा होता है तो और बात मैं बढ़ाता हूं आगे, तो देखना, तो जस्ट क्या होगा और क्या होगा. तो बच्चे जैसे ही पेशेंट में रीअब्सॉर्प्शन घटेगा, रीअब्सॉर्प्शन घटते ही क्या होता है, जैसे ही पेशेंट डीआई के पेशेंट के अंदर रीअब्सॉर्प्शन घटेगा तो इस पेशेंट को होने लगता है बच्चों
ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो जैसे ही बच्चा डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो डायबिटीज इंसिपिडस होते ही क्या होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के साथ साथ होगा डिजीनेस, क्या होगा डिजीनेस, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस होगा तो व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन, व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद द डायबिटीज इंसिपिडस। तो जस्ट सेफ्टी, सेफ्टी इज द मोस्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन द पेशेंट विद डायबिटीज इंसिपिडस। तो मैं इस क्वेश्चन को भी 2 स्टार का सम्मान देता हूँ, 2 स्टार का सम्मान देता हूँ। यदि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन, व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन द पेशेंट विद द डायबिटीज इंसिपिडस, तो प्यारे बच्चों आप जवाब दे देना कि डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट का प्रायोरिटी इंटरवेंशन होता है सेफ्टी। क्या होता है सेफ्टी, बिकॉज सर डायबिटीज इंसिपिडस के कारण पेशेंट को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है और डिजीनेस होता है, हो सकता है कि वो पेशेंट एक साथ अपने बेड से उतरे और बेड से उतरते ही जमीन पे गिर जाए, तो इस वजह से उसको हेड इंजरी भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना बच्चा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन विद द पेशेंट विद डायबिटीज इंसिपिडस, देन वी विल आंसर सर सेफ्टी इज द मोस्ट प्रायोरिटी। क्लियर है। एक और क्वेश्चन आता है डायबिटीज का, एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चा कि जब कोई भी पेशेंट आफ्टर अ पेशेंट कम्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर द रोड एक्सीडेंट एंड ही इज इंजर्ड इन द हेड, पेशेंट रोड एक्सीडेंट के बाद हेड इंजरी का पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है, तो वी नीड टू असेस दिस पेशेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जस्ट हेड इंजरी के बाद सबसे ज्यादा संभावना होती है डायबिटीज इंसिपिडस होने की, क्या होने की, डायबिटीज इंसिपिडस होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो डायबिटीज इंसिपिडस होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है कब, जब पेशेंट हेड इंजरी के बाद हॉस्पिटल के अंदर आता है। क्लियर है बच्चे, तो क्लियर है बच्चा। तो ये था डायबिटीज इंसिपिडस। अब देख लीजिएगा अभी 42 मिनट हो चुके हैं, कितने 42 मिनट हो चुके हैं, एक क्वेश्चन सोल्व हुआ है। अब आप इसे अच्छा माने या बुरा माने मुझे पता नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दो मुझे, आप एक बार फीडबैक दे दो आपका कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, यानी कि आपको जो फुल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ क्या दैट इज राइट और रॉन्ग। यानी कि बच्चे एक क्वेश्चन नहीं, ये किया तो मैंने बहाना तो एक ही क्वेश्चन का बनाया, लेकिन कम से कम आपको 500 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर आपको पढ़ा चुका हूँ। अंडरस्टैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। अंडरस्टैंड गाइस, तो चलो मुझे बताओ आप कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश हैं, मजा आ गया है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बच्चे। और यही बना रहे, यही जोश आपके अंदर बना रहे और यही फीडबैक मुझे मिलता रहे, एक्सीलेंट, गजब, मजा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूँ। एम्स ऋषिकेश की प्रिपरेशन आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि जितने भी यूनिट्स मैं ले रहा हूँ उनका शॉर्ट में आपको पूरा 10-10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन के माध्यम से पूरी यूनिटों के कंक्लूजन आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि हर तरह का क्वेश्चन आप सुन लोगे, हर तरह का क्वेश्चन सुन लोगे, और एग्जाम में अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आया है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देने में बिल्कुल भी अनकंफर्ट नहीं होंगे। अंडरस्टैंड। दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर अब आ रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आफ्टर सेवरल डायग्नोस्टिक टेस्ट अ क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद द डायबिटीज इंसिपिडस, द नर्स परफॉर्म एन असेसमेंट ऑन द क्लाइंट नोइंग दैट व्हिच सिम्टम इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ दिस क्लाइंट। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैं सोल्व करवा चुका हूं आपको। मोस्ट इंडिकेटिव सिम्टम पूछ रहे हैं, मोस्ट इंडिकेटिव सिम्टम ऑफ किसका, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड द क्लाइंट हैज द डायबिटीज इंसिपिडस, डीआई का पेशेंट है और डीआई का पेशेंट है, द नर्स परफॉर्म एन असेसमेंट फाइंडिंग नोइंग दैट द सिम्टम इज द मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो इस डिसऑर्डर का मोस्ट इंडिकेटिव सिम्टम पूछ रहे हैं आपसे, तो काफी सिंपल है, मैं अभी पढ़ा चुका हूं कि जैसे ही बच्चों पॉलीयूरिया होता है, जैसे ही पॉलीयूरिया होता है डायबिटीज के पेशेंट को, डायबिटीज इंसिपिडस को पॉलीयूरिया होते ही, और पॉलीयूरिया होते ही क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन होते ही क्या होता है बच्चा, स्टिमुलेट होते हैं थर्स्ट सेंटर। तो डिहाइड्रेशन स्टिमुलेट द थर्स्ट सेंटर, तो डिहाइड्रेशन स्टिमुलेट थर्स्ट सेंटर्स, और जैसे ही थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होंगे पेशेंट को होने लगता है पॉलीडिप्सिया, क्या होने लगता है, पॉलीडिप्सिया। तो जस्ट द इन केस ऑफ द पॉलीयूरिया द डायबिटीज पेशेंट कैन बी इनटेक अप टू 20 लीटर पर डे, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट प्रतिदिन 20 लीटर तक पानी पी सकता है।
इसको लगभग 4 लीटर से लेकर के 12 लीटर तक पर डे यूरिन आउटपुट हो सकता है। तो बच्चे यदि क्वेश्चन कर लिया जाए कि डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट का पर डे यूरिन आउटपुट कितना हो सकता है, तो 4 to 12 लीटर पर डे यूरिन आउटपुट हो सकता है और अप टू 20 लीटर इट विल बी द जस्ट इंटेक द वॉटर। तो इसका वॉटर इंटेक कितना हो सकता है अप टू 20 लीटर एंड द यूरिन आउटपुट कितना हो सकता है बेटा अप टू 4 to 12 लीटर पर डे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्किन इज दैट व्हाट इज द बेस्ट रीजन फॉर द नर्स इन इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट टू रोटेट द इंजेक्शन साइट फॉर इंसुलिन। इंसुलिन के लिए इंजेक्शन साइट रोटेट करने के पीछे बेस्ट रीजन क्या होगा, व्हाट इज द बेस्ट रीजन, क्या पूछा जा रहा है, बेस्ट रीजन आपसे पूछा जा रहा है। बेस्ट रीजन फॉर द नर्स इन इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट टू रोटेट द इंजेक्शन साइट फॉर इंसुलिन, लाइपोडिस्ट्रोफी इज वेरी पेनफुल, देन पुअर रोटेशन कैन कॉजेज द सुपरफिशियल हेमरेज, लाइपोडिस्ट्रोफिक एरिया कैन कॉजेज द इरेटिक इंसुलिन एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन साइट शुड नेवर बी रीयूज्ड। व्हाट इज योर राइट आंसर? जल्दबाजी में जो बच्चे डिसीजन ले लेते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं मेनली, टोटल जो कंपटीशन में एग्जाम देने जाते हैं वो दो तरह के बच्चे होते हैं। सबसे पहला होता है चुलबुल और दूसरा होता है धैर्य। चुलबुल और धैर्य, यदि चुलबुल बनकर के क्वेश्चन करोगे तो जल्दबाजी करोगे और धैर्य बन के क्वेश्चन किया तो सिलेक्शन पाओगे। अंडरस्टैंड? इसलिए दो तरह की कैटेगरी के बच्चे कोटा आते हैं। सबसे पहला बच्चा कोटा में आता है चुलबुल और दूसरा बच्चा कोटा में आता है धैर्य। पहला जो बच्चा चुलबुल कोटा में आता है, चुलबुल तो रोज कोचिंग नहीं जाता है और उसको तो पहले ही पता चल जाता है कि अपन को तो अभी नोट्स बनाना है और जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ लेंगे, और धैर्य रोज कोचिंग जाता है, पढ़ने में ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, एवरेज है, लेकिन रोज टाइम से नोट्स बना रहा है, रोज क्लास जा रहा है, रोज पढ़ाई कर रहा है और रोज ही वो सर के द्वारा कही गई बात को घर पे आकर के फॉलो करता है। तो धैर्य की खास बात क्या है, पूरे 12 महीने तक धैर्य रोज क्लास गया, रोज उसने नोट्स बनाए, रोज याद करा, 5-6 घंटे रोज पढ़ता है, याद ज्यादा नहीं रहता है, फिर भी परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार याद नहीं हो रहा है क्या करूं, तो वो पहचान है धैर्य की। अगर आप चुलबुल बन के आंसर करोगे, चुलबुल बनकर के आंसर करोगे तो जल्दबाजी में आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला आंसर लगा दोगे आप। लेकिन अगर आप बच्चों धैर्य बनकर के आंसर करोगे तो आपका आंसर आएगा सी। क्या आंसर आएगा? सी। देखो कैसे क्या होता है बच्चे, जब हम एक ही मल्टीपल इंजेक्शंस के लिए जस्ट व्हाट इज द बेस्ट रीजन फॉर द नर्स इन इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट टू रोटेट द इंजेक्शन साइट ऑफ द इंसुलिन। बच्चा पहली बात तो मैं इंसुलिन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। इंसुलिन को सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन की मोस्ट कॉमन साइट होती है बच्चों पेरियमलाइकस। कौन सी? पेरियमलाइकस। दूसरा, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है बच्चे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आर्म, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आर्म आर्म के पोस्टीरियर सरफेस पर, या फिर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है एंटीरियर थाई पर। कहां पर? एंटीरियर थाई पर। अब जो कंडीशन कह रहा है कि यदि अगर आपने एक ही साइट को मल्टीपल टाइम यूज किया तो इससे क्या होगा, एक ही जगह बार बार इंजेक्शन लगाने से वहां पर क्या हो जाता है, फैटी मास फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि जो स्किन होगा वो कैसा हो जाएगा, फाइब्रोटिक हो जाता है। और यदि अगर बच्चे फाइब्रोटिक स्किन हो गया है तो इस तरह का फैटी मास एंड फाइब्रोटिक स्किन फॉर्मेशन को कहा जाता है लाइपोडिस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? लाइपोडिस्ट्रोफी कहा जाता है। और यदि अगर बच्चा लाइपोडिस्ट्रोफी हो गया है और पेशेंट यदि अगर इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर के अपने वर्क पे चला गया तो क्या होगा, लाइपोडिस्ट्रोफी की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी कि लाइपोडिस्ट्रोफी हो गया है, लाइपोडिस्ट्रोफी में फैटी मास फॉर्मेशन हो गया है, मींस रिजल्टिंग इन द नो एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन। यदि अगर इंसुलिन इंजेक्शन लेकर के वो अपने वर्क पे चला गया है तो पता चलेगा कि एक ही जगह इंसुलिन इंजेक्शन यूज करने से क्या हुआ, फैटी मास बना हुआ है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, और यदि अगर पेशेंट इंजेक्शन लेकर के अपने वर्क पे चला गया है तो एक्सीडेंटली हो सकता है उसको अचानक डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन हो जाए, सीवियर रिएक्शन हो जाए, DKA हो सकता है, या फिर हो सकता है बच्चा HHNS। तो सीवियर मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं DKA, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है दोनों, DKA और HHNS होने की संभावना हो
होती है। इसलिए जस्ट हमें ध्यान रखना है कि लाइपोडिस्ट्रोफी की वजह से जस्ट द लाइपोडिस्ट्रोफी एरिया कैन कॉजेज द एरेटिक इंसुलिन एब्जॉर्प्शन। राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। क्लियर हो गया है गाइस? ओके बच्चे, देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डायबिटिक टीचिंग प्लान एक्सेप्ट। डायबिटिक टीचिंग करते समय आपको कौन कौन से ऑप्शंस अपनी प्लानिंग टीचिंग के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, क्या क्या बातें होगी जो टीचिंग में इंक्लूड करोगे और कौन सी बात को टीचिंग में इंक्लूड करना कंपल्सरी नहीं है। गिव आंसर प्लीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन कौन बच्चा आप में से देगा, देखते हैं अभी। शाबाश प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छी आंसरिंग आप लोग कर रहे हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ऋषिकेश इस बार तो आपके मारे पनाह मांग जाएगा भाई। आप में से सारे बंदे मुझे बिल्कुल फाड़ू लग रहे हो, फुल फाड़ू लग रहे हो, फुल पढ़ाई कर रहे हो आप लोग आजकल। ऋषिकेश के लिए आपने कमर कस रखी है बहुत शानदार तरीके से। हर क्वेश्चन का सही आंसर, हर क्वेश्चन का सही आंसर, मजे हो रहा है आपके, बहुत शानदार तैयारी कर रहे हो आप लोग। ऋषिकेश के लिए पूरी कमर कस के बैठे हो आप भी, सोच रहे हो कि ऋषिकेश तू दे एग्जाम कहां से देगा इस बार। मीन्स इस बार तो आप ऋषिकेश की बैंड बजाने वाले हो। मुझे ऐसा ही कुछ लगता है। यस नो, सही कह रहा हूं ना? देखिएगा, अब हमसे कहा जा रहा है कि डायबिटिक टीचिंग प्लान एक्सेप्ट, चेंज द पोजीशन फ्रिक्वेंटली टू इंक्रीज द सर्कुलेशन। बात सही है, पेशेंट का, डायबिटिक पेशेंट का पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए ताकि सर्कुलेशन अच्छा हो। क्लियर? दूसरा क्या है, इंस्पेक्ट द फिट एंड लेग्स डेली फॉर द एनी चेंज। वेरी गुड शाबाश, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों बच्चे? क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट में हो जाता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक पेशेंट का नर्वस सिस्टम यानी पेरिफेरल न्यूरॉन्स एक्सेसिव ग्लूकोज की वजह से धीरे 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 डैमेज हो जाते हैं और इसलिए पेशेंट को हो जाता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर पेशेंट को हो रहा है और अगर पेशेंट के फिट्स में इंजरी हो जाए तो बच्चा इंजरी के सेंसेशन इसको नहीं होंगे, बिकॉज सेंसेशन पेशेंट को सेंसेशन फील नहीं होंगे, बिकॉज द पेशेंट इज सफरिंग विद द डायबिटिक न्यूरोपैथी। और डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से क्या होता है, डिक्रीज्ड सेंसेशन इन द पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड सो इफ देयर इज अ इंजरी, यदि अगर इसको इंजरी हो जाती है तो देयर विल बी नो सेंसेशन विल बी फेल्ट बाय द पेशेंट। तो पेशेंट विल नॉट फेल्ट एनी सेंसेशन ड्यू टू द डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो देयर इज अ डायबिटिक न्यूरोपैथी इन द पेशेंट एंड सो द सेंसेशन इन द पेरिफेरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विल बी रिड्यूस्ड। And if the sensations are reduced, the patient will not feel any sensation if there is an occurrence of injury. कोई भी इंजरी हो जाती है तो पेशेंट को सेंसेशन फील नहीं होंगे, और सेंसेशन फील नहीं होंगे बच्चा और इंजरी हो गया तो इंजरी धीरे 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 बढ़ता हुआ किसमें कन्वर्ट हो सकता है, गैंग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है। अंडरस्टैंड? सो व्हाट नर्सिंग केयर इज नेसेसरी फॉर दिस पेशेंट? We need to inspect the feet and legs of the patient daily for any changes. Understand? Then keep the unused insulin in the refrigerator. This is also the right answer. Refrigerator में ही unused insulin को रखा जाता है. Keep the legs elevated on two pillow while sleeping. This is not necessary. And so, what is the question पूछ रहा था? Except. So then we will answer, this is not a necessary nursing education for the patient with diabetes mellitus. So the right answer is D. Keeps legs elevated on two pillow while sleeping is not necessary. Aur isiliye bachcha sahi
सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों, क्लियर है? अरे भाई बोलो यार, मजा आ रहा है क्या? हर हर बुगली घर घर बुगली, मजा आ रहा है या नहीं? यस सुनो। अरे भाई बोलो, क्लियर है? गैंग्रीन कौन सा बनता है? अरे वेट गैंग्रीन बनता है, वेट मोस्ट गैंग्रीन। मोस्ट गैंग्रीन कौन सा गैंग्रीन? मोस्ट गैंग्रीन बनता है प्यारे बेटा, मोस्ट गैंग्रीन। क्लियर है? ड्राई गैंग्रीन और मोस्ट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन, तीन तरह के गैंग्रीन होते हैं, गैस गैंग्रीन, मोस्ट गैंग्रीन और ड्राई गैंग्रीन। क्लियर है? इससे ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वरना अभी पूरा लेक्चर ही फिनिश हो जाएगा, घंटे 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है ना? केवल आप तो ये ध्यान रखो, डायबिटीज के पेशेंट में मोस्ट गैंग्रीन होता है। कौन सा? मोस्ट गैंग्रीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव पैराथायरोडेक्टोमी क्लाइंट, विच क्लाइंट कंप्लेन वुड इंडिकेट दैट अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन मे बी डेवलपिंग, रिक्वायर द नोटिफिकेशन ऑफ द एससीपी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीजिएटली। ड्राई नहीं बनता है यार, वेट गैंग्रीन बनता है। मॉइस्चर होती है ना पैरों के अंदर, एडिमेटस हुए रहते हैं डायबिटीज के पेशेंट के पैर। डायबिटीज वाले क्लाइंट के पैर एडिमेटस होते हैं, एडिमेटस होते हैं तो क्या होगा? मोस्ट गैंग्रीन होगा। क्या होगा? मोस्ट गैंग्रीन होगा। चलिए आंसर करिएगा। जस्ट बच्चे, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव पैराथायरॉयडेक्टोमी क्लाइंट, विच क्लाइंट कंप्लेन वुड इंडिकेट दैट अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन मे बी डेवलपिंग, रिक्वायर द नोटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीजिएटली। सो चलिएगा, सोल्व करवाता हूं बच्चा, क्या होगा? तो जब हम हाइपर थायरोडिज्म वाले पेशेंट को हाइपर पैराथायरोडिज्म या फिर हाइपर थायरोडिज्म वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो जस्ट वी नीड टू रिमूव द थायरॉइड ग्लैंड। तो जस्ट बच्चे यहां पर हम करेंगे हाइपर थायरोडेक्टोमी, थायरॉइडेक्टोमी, या फिर आप चाहे करें पैराथायरोडेक्टोमी। तो या तो दोनों सर्जरीज ध्यान रखिए, या तो थायरोडेक्टोमी करें या पैराथायरोडेक्टोमी करें। तो बच्चे चाहे थायरोडेक्टोमी किया जाए या पैराथायरोडेक्टोमी किया जाए, दोनों ही केस में द चांसेस फॉर इंजरी, चांसेस बिकॉज द क्लाइंट हैव द चांसेस फॉर इंजरी, इंजरी टू द लेरिंजियल नर्व, टू द लेरिंजियल नर्व, लेरिंजियल नर्व में इंजरी होने की संभावना होती है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी चाहे से थायराइड का रिमूवल किया जाए या फिर पैरा थायराइड का रिमूवल किया जाए, क्योंकि जहां पर थायराइड लोकेटेड होता है, थायराइड कहाँ होता है? जस्ट इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन बिटवीन द लेरिंग्स एंड ट्रेकिया। जहां पर लेरिंग्स और ट्रेकिया का जंक्शन होता है, वहां पर होता है थायराइड। तो थायराइड लोकेटेड, जस्ट देखिएगा, ये है बच्चा लेरिंग्स और ये है ट्रेकिया। तो वेयर द थायरॉइड लोकेटेड इन द बॉडी, तो थायरॉइड लोकेटेड एट द जंक्शन बिटवीन द लेरिंग्स एंड ट्रेकिया। तो लेरिंग्स और ट्रेकिया का जंक्शन होता है, यहां पर थायरॉइड ग्लैंड लोकेटेड होता है। और जस्ट जस्ट इन द पोस्टीरियर टू द थायरॉइड अ पैरा थायरॉइड ग्लैंड इज लोकेटेड। तो वेयर द थायरॉइड ग्लैंड इज लोकेटेड, वेंट्रोलेटरल। बच्चे यदि अगर हम कहें ये बॉडी है, तो ये बॉडी का एंटीरियर सरफेस और ये है बॉडी का पोस्टीरियर। तो एंटीरियर को हम कहते हैं बच्चे वेंट्रल और पोस्टीरियर को कहते हैं डोर्सल। तो थायराइड कहाँ होता है? थायराइड होता है इस तरीके से। कैसे होता है? इस तरीके से। देखो मैंने कैसे पकड़ा है इसको, इस तरीके से पकड़ा हुआ है बच्चे, और पीछे की सरफेस देखो ओपन है। तो जस्ट हम कहेंगे कि थायराइड का एग्जैक्टली लोकेशन क्या होगा, तो ये लेरिंग्स है और ये जो मार्कर के अंदर जो बैंड लगा हुआ है, इससे नीचे क्या है? ट्रेकिया है। तो ये है थायराइड की लोकेशन, ये। तो इस लोकेशन को क्या कहेंगे आप? वेंट्रोलेटरल। क्या बोलोगे? वेंट्रोलेटरल। तो थायराइड का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है? वेंट्रोलेटरल। तो जस्ट थायराइड लोकेटेड इन द वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ द ट्रेकिया एंड लेरिंग्स, वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ द जंक्शन बिटवीन लेरिंग्स एंड ट्रेकिया। तो जहां पर लेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में जॉइंट है, उसके वेंट्रोलेटरल साइड में थायरॉइड होता है। थायरॉइड के जस्ट पोस्टीरियर अ ग्लैंड आल्सो लोकेटेड, दैट इज कॉल्ड पैराथायरॉइड। व्हेन वी डू द एनी सर्जिकल ऑपरेशन इन द थायरॉइड और पैराथायरॉइड, वी हैव द मोस्ट चांसेस फॉर द इंजरी इन द लेरिंजियल नर्व,
इफ देर इज इंजरी इन द लेरिंजियल नर्व दैट कैन बी ऑब्जर्व बाई हियरिंग द लेरिंजियल स्ट्राइडर. क्या सुनाई देगा अगर लेरिंजियल नर्व इंजर्ड हो गया तो? लेरिंजियल स्ट्राइडर. तो लेरिंजियल नर्व इंडिकेट द नर्व इंजरी. तो स्ट्राइडर इंडिकेट द नर्व इंजरी. क्या इंडिकेट करता है? नर्व इंजरी. तो हाउ यू विल असेस द स्ट्राइडर? आप कैसे, जैसे ही आप पेशेंट के पास गए, वार्ड में गए, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में आप जाओगे, पेशेंट से बोलोगे अरे भाई बोल, यस और नो, अरे भाई आ बोल आ, पेशेंट से कहना आ बोल आ, पेशेंट बोलेगा आ. यदि पेशेंट आ नहीं बोल पा रहा है, मींस क्या हुआ? लेरिंग्स डैमेज हो गया भाई. क्या हो गया है? लेरिंग्स डैमेज हो गया. तो जाते ही आप पेशेंट का कंधा ठपठपाओगे ऐसे और कहोगे कि अरे भाई बोल आ, बोल आ, बोल आ. यदि पेशेंट आ बोलता है, अगर आप कहेंगे उससे कि आ बोल, अगर पेशेंट आ बोल जाता है, मींस समझना लेरिंग्स में से आवाज आ रही है. और यदि अगर पेशेंट आ नहीं बोल पा रहा है, मींस लेरिंग्स डैमेज हो गया है, लेरिंजियल नर्व डैमेज हो गया है, तो या फिर अब आपको सुनाई देगा स्ट्राइडर. तो जस्ट हाइपोथायरोडेक्टोमी करो या थायरोडेक्टोमी करो या फिर पैराथायरोडेक्टोमी करो, तो इन दिस केस इन बोथ सर्जरीज वी हैव द चांसेस टू इंजरी इन द लेरिंजियल नर्व एंड सो द स्ट्राइडर. लेरिंजियल डैमेज, वॉइस चेंजेस मे बी ऑब्जर्व इन दिस पेशेंट. अंडरस्टैंड गाइस? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड. मजा आ गया तुम लोग. क्लियर? तो राइट आंसर इज ए फॉर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन इज कम्स नाउ. And is this question? This is question number 6. A client brought to the emergency department is unresponsive state and diagnosis of hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome is made. The nurse would immediately prepare to initiate which anticipated healthcare provider prescription? Endotracheal 100 unit of NPH insulin, intravenous infusion of the normal saline, intravenous infusion of the sodium bicarbonate. What is your right answer? Answer please. देखिएगा बच्चा क्या कह रहा है. चलो मैं सोल्व करवाता हूँ. सबका आंसर आ चुका है, मोस्टली सही आंसर कर रहे हो आप लोग. क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड इन अनरेस्पॉन्सिव स्टेट एंड डायग्नोसिस ऑफ द हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम. तो पहली बात तो ये बताइए मुझे, ये जो HHNS होता है, HHNS ये कौन से टाइप के डायबिटीज वाले लोगों को होता है? टाइप फर्स्ट को या टाइप सेकेंड को? बताइए मुझे आप, HHNS जो होता है ये कौन से टाइप के डायबिटिक पेशेंट्स का कॉम्प्लिकेशन है? कौन से डायबिटीज वाले लोगों को होता है? टाइप वन को या टाइप टू को? आंसर करिएगा, टाइप वन को होता है या टाइप टू को? तो HHNS अकर्स इन विच टाइप ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स? टाइप वन और टाइप टू. वेरी गुड, शाबाश शाबाश बच्चे. जब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो डायबिटीज में टाइप वन का कॉम्प्लिकेशन होता है DKA, और टाइप सेकेंड वालों को कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चा HHNS. क्या होता है? HHNS. तो आइए जानते हैं कि क्या क्या होता है और किस तरह से होता है बच्चा. HHNS DKA और दूसरी तरफ HHNS. बच्चों DKA और HHNS में मेजर डिफरेंस क्या है? इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 300 mg/dL, वेयर एज इन केस ऑफ HHNS द ब्लड ग्लूकोज लेवल विल रिच्ड मोर देन 800 mg/dL. तो HHNS टाइप 2 में होता है, ये होता है टाइप 1 में, एंड HHNS डेवलप इन टाइप सेकेंड. बच्चा HHNS और DKA में मेजर डिफरेंस क्या होता है सुनिएगा. DKA का मींस क्या होता है आइए जानते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. बच्चा जब किसी को भी
जब किसी को भी डायबिटिक पेशेंट को स्ट्रेस हो, इन्फेक्शन हो, स्ट्रेस या इन्फेक्शन हो, तो स्ट्रेस या इन्फेक्शन में एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है कॉर्टिसोल। क्या रिलीज करेगा? कॉर्टिसोल स्टीरोइड रिलीज करेगा। और जैसे ही स्टीरोइड रिलीज होगा, पेशेंट में शुरू हो जाता है बच्चा लाइपोलाइसिस। जैसे ही स्टीरोइड रिलीज होते हैं, पेशेंट की बॉडी में क्या शुरू हो गया है? लाइपोलाइसिस शुरू हो गया है। और लाइपोलाइसिस यदि होता है बच्चा, तो लाइपोलाइसिस जब कभी भी होता है, तो लाइपोलाइसिस से दो सब्सटेंस बनते हैं। सबसे पहला बनता है बच्चा कीटोन। क्या बनता है? कीटोन प्लस फैटी एसिड। अंडरस्टैंड? तो क्या क्या बना? कीटोन प्लस फैटी एसिड। अब जो कीटोन बना है, ये एक एसिड है और ये भी एसिड है, तो कीटोन के कारण क्या हो जाता है बच्चों, डीके वाले पेशेंट को? कीटोसिस। और फैटी एसिड की वजह से क्या हो जाता है? एसिडोसिस। और पेशेंट है डायबिटीज मेलाइटस का। किसका? डायबिटीज मेलाइटस का। तो डायबिटीज मेलाइटस ऐसा डायबिटीज मेलाइटस जिसमें कीटो कीटोसिस और एसिडोसिस हो जाता है, तो इस कॉम्प्लिकेशन को कहा जाता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। यदि डायबिटीज के कारण बॉडी में कीटोसिस और एसिडोसिस हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। क्लियर है गाइस? अब जो कीटोसिस होता है, ये कीटोसिस एसीटोन के रूप में भी बॉडी के अंदर रहता है। अब ये एसीटोन ब्रीथ के साथ बाहर आता है। तो जब पेशेंट ब्रीथ करेगा, तो ब्रीद में हमें फ्रूटी ऑर्डर आने लगेगा, क्योंकि एसीटोन होता है फ्रूट जैसी स्मेल वाला सब्सटेंस। एसीटोन क्या है? फ्रूट पकाने की गैस है। फल पकाने वाली गैस अगर आपने कभी स्मेल की हो, तो वो एसीटोन का स्मेल होता है। और इसीलिए डीके वाले पेशेंट्स की ब्रीद में आने लगता है फ्रूटी ब्रीद ऑर्डर। और हाइपर वेंटिलेशन होता है, तो इस तरह का जो रेस्पिरेशन होता है, उसे कहते हैं बच्चा कुसमोल्स रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है? कुसमोल्स रेस्पिरेशन। तो कुसमोल्स रेस्पिरेशन कौन से टाइप के क्लाइंट्स की पहचान है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले पेशेंट्स की पहचान होती है कुसमोल्स रेस्पिरेशन। तो बच्चा डीकेए के जो पेशेंट होते हैं, इनमें कीटोसिस एंड एसिडोसिस प्रेजेंट होता है, जबकि सेकेंड वाले में कीटोसिस एंड एसिडोसिस प्रेजेंट नहीं होता है। अंडरस्टैंड? एसिडोसिस एंड कीटोसिस एब्सेंट इन एचएचएनएस, और जस्ट द कीटोसिस एंड एसिडोसिस प्रेजेंट इन केस ऑफ द डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अंडरस्टैंड बच्चा? अब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जब हुआ, तो देखिएगा क्या होगा। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हुआ तो डीकेए हुआ, डीके हुआ तो डीके में क्या क्या बना? कीटोन बना प्लस फैटी एसिड बने। तो बच्चा कीटोन किससे बना? कीटोन बना है लाइपोलाइसिस से। किससे बना है? लाइपोलाइसिस होने से। अब लाइपोलाइसिस होने से कीटोन बना है, तो कीटोन की वजह से जो एसिडोसिस हुआ है, उस एसिडोसिस को कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो डायबिटीज के पेशेंट्स में क्या हो गया है बच्चा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है। क्या हो गया है? अभी पूरा क्लियर हो जाएगा आपका कि कैसे क्या होता है डीके के अंदर। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के केस में कौन सा टाइप का एसिड बेस इंबैलेंस हुआ? तो जस्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। अब बच्चा जब कभी भी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, तो इसे लंग्स कंपेंसेट करेंगे। तो लंग्स कंपेंसेट, तो लंग्स इसको क्या करने की कोशिश करेंगे? कंपेंसेट करेंगे। तो लंग्स कंपेंसेट करेंगे तो क्या होना चाहिए? O2 बढ़ना चाहिए बॉडी के अंदर। तो इसलिए जस्ट आफ्टर सम टाइम द पेशेंट स्टार्ट टू डू द हाइपर वेंटिलेशन। और इसलिए कुछ ही देर बाद में पेशेंट क्या शुरू कर देगा? हाइपर वेंटिलेशन शुरू कर देता है। और बच्चा हाइपर वेंटिलेशन करेगा मीन्स RR बढ़ जाएगा, और RR बढ़ जाता है तो उधर एसीटोन भी है, ब्रीथ के अंदर क्या है? एसीटोन भी है। तो जस्ट इसका जो रेस्पिरेशन होता है, वो हो जाता है कुशमोल रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया होगा? कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस होता है? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। कौन सा रेस्पिरेटरी रेट हाइपर वेंटिलेट करेगा? तो दैट आर द क्लिनिकल फीचर इन द क्लाइंट विद द डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब बच्चों दोनों ही केस में हम जानते हैं कि चाहे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो या फिर हो एचएचएनएस, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या एचएचएनएस के केस में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या हो फिर एचएचएनएस, तो सबसे पहला हमारा प्रायरिटी इंटरवेंशन होता है ब्लड ग्लूकोज को कम करना।
सबसे पहला इंटरवेंशन और पहला स्टेप होता है बच्चा, ध्यान रखना, ब्लड ग्लूकोज को कम करना। तो सबसे पहली स्टेप में हम देंगे इसको इंसुलिन। क्या देंगे? इंसुलिन। अब इंसुलिन ध्यान रखना, दो ही प्रकार के इंसुलिन देना है आपको, या तो देना है बच्चा शॉर्ट एक्टिंग या फिर आपको देना है रैपिड एक्टिंग। तो इंसुलिन कौन सा यूज कर सकते हो आप? शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन आपको एडमिनिस्टर करना है। तो प्रायर इंटरवेंशन बता रहा हूं मैनेजमेंट का, प्रायर इंटरवेंशन फर्स्ट यू नीड टू एडमिनिस्टर द इंसुलिन। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? रिहाइड्रेट द पेशेंट। दूसरी स्टेप में पेशेंट को रिहाइड्रेट करना है, और रिहाइड्रेट करने के लिए बच्चे हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? एनएस। कौन सा? एनएस यूज करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बिकॉज ब्लड ग्लूकोज ऑलरेडी 300 से ज्यादा है, और ब्लड ग्लूकोज अगर 300 से ज्यादा है तो ब्लड ग्लूकोज काफी ज्यादा है, ब्लड ग्लूकोज काफी ज्यादा होने की वजह से ब्लड ऑलरेडी काफी ज्यादा डिहाइड्रेट हो रहा है। डिहाइड्रेट ब्लड को जस्ट क्या करना है? रिहाइड्रेट करने की आवश्यकता है, और इसलिए हम क्या करेंगे बच्चा? एनएस इन्फ्यूजन शुरू कर देंगे, और इसलिए क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन शुरू करना होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन पूछ लिया जाए यदि डीके के लिए या चेचनएस के लिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में इंसुलिन देना है, दूसरी प्रायोरिटी में आपको क्या करना है? फ्लूड को रिहाइड्रेट किया जाना चाहिए। अंडरस्टैंड गाइस? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ हाँ एनएस आइसोटोनिक है, कोई बात नहीं एनएस आइसोटोनिक है, कोई बात नहीं, एनएस स्टार्ट करना है आपको। ओके, अरे कोई बात नहीं रे नेहा जी, बेटा आइसोटोनिक है, मैं जानता हूं आपको, सबको बहुत नॉलेज है, बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो, बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो आप लोग। मैं एनएस नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं डीके पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियली सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कुड अकर विथ थेरेपी फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कुड अकर विद द थेरेपी फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से कौन सा सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल सीरियस कॉम्प्लिकेशन कुड अकर ड्यू टू द थेरेपी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो बच्चे हाइपोथायरॉयडिज्म में जो हम एचआरटी करते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और इसके लिए हम देते हैं T3, T4। क्या देते हो? T3, T4। और T3, T4 क्या करता है बच्चा? BMR को बढ़ाता है, और साथ के साथ ही एड्रीनलिन एंड नॉरएड्रीनलिन की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। तो जैसे ही एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन की एक्टिविटी बढ़ेगी, ये दोनों ही होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मीडिएटर। तो बोथ आर द मीडिएटर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज बढ़ जाती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ते ही हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ने के साथ साथ ही क्या होगा? पाल्पिटेशन होगा। अंडरस्टैंड बच्चों? तो जब कभी भी एचआरटी दिया जाता है किसके लिए? हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, तो वी नीड टू असेस द पेशेंट फॉर द एंजाइना और कार्डियक अरिथमिया, एंड सो राइट आंसर इज बी। अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8। लिटरली मीनिंग ऑफ द साइमन डिजीज पिट्यूटरी कैकेक्सिया। पिट्यूटरी कैकेक्सिया का लिटरली मीनिंग क्या होता है? साइमन डिजीज या पिट्यूटरी कैकेक्सिया किसे कहते हैं? आंसर प्लीज फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा, लिटरली मीनिंग ऑफ द साइमन डिजीज एंड पिट्यूटरी कैकेक्सिया। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, सही आंसर है आप लोगों का। बच्चे देखिएगा, पिट्यूटरी कैकेक्सिया या साइमन डिजीज या पिट्यूटरी कैकेक्सिया, इसका कारण होता है पिट्यूटरी का एट्रोफी। तो व्हाट इज द कोज, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज फॉर द मोस्ट कॉमन कोज
मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द पिट्यूटरी कैकेक्सिया, तो पिट्यूटरी कैकेक्सिया का कारण होता है बच्चा एट्रोफी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और इस कंडीशन में हाइपोसिक्रेशन ऑफ द ऑल पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, नहीं, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ऑल एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अंडरस्टैंड बच्चे? तो जस्ट बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ द ऑल एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ऑल एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के हाइपोसिक्रेशन को कहा जाता है पिट्यूटरी कैकेक्सिया बच्चे, इसको कहा जाता है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म भी बोलते हैं, तो व्हाट इज द अनदर नेम, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, साइमंस डिजीज या पिट्यूटरी कैकेक्सिया कहते हैं, और ऐसा क्यों होता है? पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी के एट्रोफी को कहा जाता है पिट्यूटरी कैकेक्सिया, सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एन अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, विच रेस्पॉन्स शुड द नर्स सस्पेक्ट द क्लाइंट टू एग्जिबिट एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ द T3 T4, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, दिस इज द MRQ बेस्ट क्वेश्चन, मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन है। देखे आपकी नॉलेज चेक करना था, आप कितने परफेक्ट हो, करके बताइएगा। पेशेंट है किसका? डिक्रीज्ड लेवल ऑफ T3 T4, डिक्रीज T3 T4 वाला पेशेंट है। जब भी आपको कोई मिले ना पूरे हिंदुस्तान में, आप उसको एक ही बात बोलना मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम बुगली, और दूसरी बात बोलना हर हर बुगली घर घर बुगली। 23 तारीख को एम्स के बाहर हर सेंटर पे एक ही नाम, मुझे एक ही नारा सुनाई देना चाहिए, एक ही नारा, एक ही नाम, हर हर बुगली घर घर बुगली, अंडरस्टैंड? मुझे एम्स के सेंटर्स के बाहर जितने भी एग्जाम पे आपका सेंटर आएगा, उस हर सेंटर पे एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। यहां पर कोटा के अंदर, मैं कोटा में हूं, मुझे आवाज सुनाई देनी चाहिए, और आप मुझे आके बताना बाद में कि आपने कितने नारे लगाए सेंटर के बाहर, हर हर बुगली घर घर बुगली, और ये कहना आई एम बुगली, क्या कहोगे? आई एम बुगली, एक ही बात बोलना, और बड़े प्राउड के साथ एग्जाम सेंटर के अंदर जाना, बड़े प्राउड के साथ एग्जाम सेंटर में जाना अंदर कि आई एम वुगली, आई एम वुगली। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर हम करने जा रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। अरे सब कंफ्यूजन मिट जाएंगे बेटा यहां करके, तो टेंशन मत लो आप, सब मिटा दूंगा बेटा, सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे आपके। जब मैं टीचिंग करने लग गया ना, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। अब जब मैं करने ही लगा, आपको पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिया, तो फिर अब पढ़ो यार, क्या टेंशन है, डोंट वरी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब देखो आंसर बताता हूं आपको किस तरह से क्या करना है। पेशेंट डिक्रीज लेवल ऑफ T3 T4, अब सबसे पहले आप जानिएगा T3 T4 के फंक्शन क्या होते हैं। तो T3 T4 का पहला फंक्शन होता है बच्चों, ये बॉडी के अंदर BMR रेगुलेट करता है। दूसरा सेकेंड फंक्शन होता है, ये बॉडी के अंदर एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन को रेगुलेट करता है, अंडरस्टैंड? T3 T4 का थर्ड फंक्शन होता है बच्चों, ये GIT के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ध्यान से समझना आप, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी वैल्यूएबल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ओके? तो जस्ट हमने कहा T3 T4 का फर्स्ट फंक्शन होता है BMR को रेगुलेट करता है, एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन को रेगुलेट करता है, GIT के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो जैसे ही BMR की बात करेंगे, तो BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन।
बीएमआर से क्या होता है बच्चा? हीट प्रोडक्शन होता है, यस और नो? सबसे पहले बात समझ लीजिएगा, T3 T4 घटा, क्या घटा? T3 T4 घटा, तो मतलब ये क्या है? कूल बॉय। आप में से बहुत सारे बच्चे अपने आप को कूल बॉय कहते होंगे और कई लड़कियां अपने आप को कूल गर्ल कहती होगी। तो आप मुझे ये बताइए, आप कूल बॉय हैं या कूल गर्ल हैं? या आप हॉट बॉय कहते होंगे, कहीं हॉट गर्ल कहती होगी, हॉट गर्ल या हॉट बॉय? तो आप हॉट बॉय हैं, हॉट गर्ल है, कूल गर्ल है या कूल बॉय है, क्या है आप? या आप नॉर्मल है? क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, T3 T4 घटा तो मीन्स क्या है ये? कूल बॉय। क्या है ये? है कूल बॉय। और अगर T3 T4 बड़ा होता, T3 T4 बड़ा होता तो ये होता बेटा हॉट बॉय। ठीक है, अस्टेन? तो देखिए क्या हुआ, बीएमआर घटी, बीएमआर घटा हुआ है, बीएमआर घटा तो हीट प्रोडक्शन भी घटा। हाइपोथायरोडिज्म का पेशेंट है, बीएमआर घटा तो हीट प्रोडक्शन भी घटा, हीट प्रोडक्शन घटा तो बॉडी कैसी हो जाएगी? कूल। और यदि शरीर बॉडी ऑलरेडी कूल है तो क्या इस पेशेंट को कोल्ड इंटॉलरेंस होगा? यस और नो? तो पेशेंट का कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही चला गया। दूसरी तरफ हम देखेंगे बच्चे, इरिटेबिलिटी नहीं होता है, टैकीकार्डिया नहीं होता है, वेट गेन होगा, बीएमआर घटा हुआ है, और बीएमआर घटा हुआ है, मेटाबॉलिक रेट घटी हुई है, मेटाबॉलिक रेट घटा हुआ है मींस क्या होगा? मेटाबॉलिक रेट घटा हुआ है मींस क्या होगा? वेट गेन होगा बच्चा। क्या होगा? वेट गेन। तो जस्ट इसको वेट गेन भी होने वाला है। तो व्हाट आर टू राइट आंसर? तो व्हाट आर द टू राइट आंसर? तो बच्चे ओनली द सी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो ओनली द सी एंड डी करेक्ट आंसर्स। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, बुगली बॉय हो आप सब, है ना? वेरी गुड, शाबाश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट न्यूली एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमसाइटोमा, विच क्लिनिकल फाइंडिंग डज द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग दिस क्लाइंट? हेडेक, पाल्पिटेशन, डाइफोरेसिस, ब्रेडीकार्डिया, हाइपोटेंशन? आंसर प्लीज। व्हाट इज योर राइट आंसर? फियोक्रोमसाइटोमा हो रहा है। वेरी गुड, चलिए सोल्व कराता हूं बच्चे। एड्रिनल, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला की सेल्स को कहते हैं फियोक्रोम सेल्स। क्या कहा जाता है? फियोक्रोम सेल्स। बच्चों एड्रिनल मेडुला की सेल्स को फियोक्रोम सेल्स कहते हो। फियोक्रोम सेल्स में इफ ट्यूमर, यदि ट्यूमर फॉर्म हो जाए फियोक्रोम सेल्स के अंदर, तो दिस डिजीज इज नॉन एज द, इस डिजीज को कहते हैं बेटा फियोक्रोम साइटोमा। तो इस डिजीज को क्या बोला जाएगा? फियोक्रोम साइटोमा इसको कहा जाता है। अंडरस्टैंड? तो जस्ट एड्रिनल मेडुला के अंदर ट्यूमर होना, पहली बात, एड्रिनल मेडुला की सेल्स को फियोक्रोम सेल्स कहते हैं। फियोक्रोम सेल्स में यदि अगर ट्यूमर हो जाए तो दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज द फियोक्रोम साइटोमा। तो इस डिसऑर्डर को क्या बोलोगे? फियोक्रोम साइटोमा बोलेंगे। तो पहली बात तो हमें यह पता चला कि जस्ट फियोक्रोम साइटोमा के बारे में कुछ बातें सीख लीजिएगा। फियोक्रोम साइटोमा इज अ मेलिग्नेंसी ऑफ एड्रिनल मेडुला। फियोक्रोम साइटोमा का फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ मेलिग्नेंसी ऑफ एड्रिनल मेडुला। फियोक्रोम साइटोमा का सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा बच्चा? इट इज द मेलिग्नेंसी ऑफ द, दैट इज द मेलिग्नेंसी ऑफ द, दैट इज द मेलिग्नेंसी ऑफ द फियोक्रोम सेल्स। दिस इज द मेलिग्नेंसी ऑफ फियोक्रोम सेल्स, दिस इज द मेलिग्नेंसी ऑफ द एड्रिनल मेडुला। ऐसा ध्यान रखिए, अब अगर मेलिग्नेंसी हुआ, मेलिग्नेंसी या एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर बने, तो ट्यूमर बनते ही क्या होता है बच्चा? ट्यूमर सेल्स ऑल्सो स्टार्ट टू सिक्रेट द सेम हार्मोन्स। ट्यूमर सेल उसी तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन करने लगेगा, तो ब्लड में एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन का लेवल
बढ़ जाएगा। बच्चा नोर एड्रिनलिन एंड एड्रिनलिन के बारे में हम जानते हैं, दे आर द मीडिएटर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जैसे ही सिंपैथेटिक एड्रिनलिन नोर एड्रिनलिन बढ़ेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी यदि बढ़ा तो हेडेक होने लगेगा, पाल्पिटेशन होने लगेगा, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, डाइफोरेसिस भी होगा। तो व्हाट आर द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन? तो ऑप्शन नंबर 1, B and C, ऑल थ्री ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे? क्रोमाफिन सेल या फियोग्राम सेल दोनों इसी के नाम है। क्वेश्चन नंबर 11, द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ प्लान ऑफ द केयर फॉर अ क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटस हु हैज हाइपरग्लाइसीमिया। द नर्स प्लेस हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन विच क्लाइंट प्रॉब्लम। इसमें बताइए आप, द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटस हु हैज हाइपरग्लाइसीमिया, द नर्स प्लेस हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन विच प्रॉब्लम? आंसर प्लीज। कौन सा डिजीज अलग होता है? कौन सा डिजीज ये नहीं है? कौन सा डिजीज एड्रिनल कोर्टेक्स का डिजीज है और फियोक्रोम मेडुला का है? गिव आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। वेरी गुड बच्चा, देखो प्रिपेयरिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटस, आपसे कहा जा रहा है नर्सिंग केयर प्लान प्रिपेयर कर रहे हो आप, किसके लिए? डायबिटीज मेलाइटस के लिए। और डायबिटीज मेलाइटस के केस में होता है बच्चों हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो द नर्स प्लेस द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो जब हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट को क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो गया है, डिहाइड्रेट हो गया है पेशेंट। एक तो सबसे बड़ी बात तो डिहाइड्रेट हो गया, दूसरा डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है इसलिए क्या होगा? पोलियूरिया होगा, पोलियूरिया होगा। तो पोलियूरिया से क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे, यस और नो? तो बॉडी में से एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे। एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने की वजह से व्हाट इज द आवर इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन? और फ्लूड, इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूड लॉस होगा। तो व्हाट इज द मोस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, द नर्स प्लान हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन विच क्लाइंट प्रॉब्लम? वी जस्ट नीड टू, वी नीड टू इन्वॉल्व द इनएडिक्वेट फ्लूड वॉल्यूम। सो द बी ऑप्शन इज राइट आंसर इन द क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर हो गया है गाइस? क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया के कारण ऑस्मोलर इफेक्ट आएंगे, ऑस्मोलर इफेक्ट यदि अगर आएंगे तो इस वजह से क्या होगा? पोलियूरिया होगा, पोलियूरिया होते ही डिहाइड्रेट होगा, पोलियूरिया की वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर से फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है एक्सेसिव क्वांटिटी में। तो एक्सेसिव क्वांटिटी में फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने की वजह से वी नीड टू मेंटेन द एडिक्वेट फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट इन द पेशेंट। तो व्हाट इज द इनएडिक्वेट फ्लूड वॉल्यूम? इज द मेजर इन्वॉल्वमेंट इन द केयर ऑफ द प्लान ऑफ द केयर इन द पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका। तो मेरे साथ एक साथ बोलो, हर हर बुगली, घर घर बुगली। ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, लव यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा मुझे कि कैसी रही मेरी टीचिंग आज की, यानी आज जो लेक्चर आपने अटेंड किया है एंडोक्राइन, उससे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई, बात करता हूं मैं आपसे, 10 मिनट आपके साथ हूं, जल्दी से लिख के बताओ आज कितना मजा आया है, क्या आज लेक्चर से मजा आ गया है आपको, क्लियर हो गया है आपका सब कुछ? एंडोक्राइन में जितने डिसऑर्डर आ जाए हैं, 10 क्वेश्चन करें आपने, लेकिन 10 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन के बराबर है। 10 क्वेश्चन से पूरी एंडोक्राइन पढ़ा दी मैंने आपको, पूरी एंडोक्राइन पढ़ा दी है, यस और नो? रात को नींद तो नहीं आती है ना आप लोगों को? अरे नींद तो नहीं आती है ना रात को?
एक बच्चे ने लिख रखा था जबरा लेक्चर है सर, जबरा ऐसे लिख रखा था, जबरा लेक्चर कमेंट बॉक्स में लिख रखा था, लेकिन उसने मजा आ गया उसका कमेंट पढ़ के, जबरा लेक्चर। कल कुछ बच्चों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। मजा आ जाता है, मजा आ जाता है आपके कमेंट पढ़ने में। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तो टाइम टेबल मैंने बता दिया है, न्यूरो की भी क्लास करेंगे। ये देखो नर्सिंग, नर्सिंग एग्जाम गुरु, नर्सिंग एग्जाम गुरु का कमेंट है कल का, बहुत अच्छा लगा था मुझे। ऐसा लगता है सर एक दिन 400 नहीं 4000 लाइव होंगे आपकी क्लास देखने के लिए। वेरी गुड कंटेंट सर, एर वेरी गुड इंप्रेसिव वे ऑफ टीचिंग, यू आर गॉड फादर ऑफ एमएसएन। ये एक नर्सिंग गुरु है कोई बच्चा, इसने कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कमेंट भी। और एक ये ऑफिशियल मनोज कुमार, इसने लिखा अशोक सर जी आपकी टीचिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता जी। आपके पीछे के सभी वीडियो में 5 दिन में पूरा करके यहां तक पहुंचाऊं और आज लाइव देख सकूंगा। अरे यार गजब, अगर मनोज कुमार मेरे साथ अगर अभी लाइव है तो वो मुझे जरूर कमेंट लिख करके बताइएगा। अभी मनोज कुमार अगर लाइव है तो जरूर बताएं। अब मुझे वो हौसला और गर्व है कि मैं जल्द एम्स में सेलेक्ट होऊंगा और सेलेक्ट होकर जल्द आपसे मिलने आऊंगा। थैंक यू सो मच सर एंड लव यू सो मच, मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ से हूं जी। मनोज कुमार आपकी जो बात है वो सारे बच्चों को मैंने सुनाई है और आपकी बात मुझे बहुत पसंद आई। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको भी मेरी तरफ से गॉड ब्लेसेस और डेफिनेटली आपका ड्रीम पूरा होगा। अंडरस्टैंड गाइस, चलिएगा आप चलते हैं, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।